हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में। और अभी हम हैं दरभंगा रेलवे स्टेशन पर। जैसा आप देख पाइएगा दरभंगा रेलवे स्टेशन, और हम चलते हैं बाजार समिति चौक, जहां पर दुर्गा जी का प्रतिमाएं बना है, प्लस में भूल भुलैया तरह का बहुत सारी चीज वहां पर देखने वाला है। वो मेला हम चलते हैं और आप लोग को तमाम दृश्य तस्वीर आप लोग को दिखाएंगे, बताएंगे आखिर वहां पर किस तरह का दृश्य तस्वीर लोगों को देखने को मिलता है। और आप लोग को बतला दें कि मात्र वहां पर 3 दिनों का मेला लगा हुआ है, जो है 8वीं, 9वीं और 10वीं, यानी दशहरा के दिन वो मेला समाप्त हो जाता है। अगर आप लोग कभी भी देखने के लिए आते हैं तो मात्र आप लोग को बतला दें 3 ही दिन वो मेला लगा रहता है। और चलते हैं, तमाम दृश्य आप लोग को दिखाते हैं, बताते हैं। जैसा आप लोग देख पा रहे हैं, हम आए हुए हैं दरभंगा का जो बाजार समिति में लगा हुआ था भूल भुलैया दुर्गा माता जी का प्रतिमाएं भी हैं, वो भी आप लोग को दिखाएंगे। और यहाँ पर आप लोग को दिखा दें, यहाँ पर लिखा हुआ है भूल भुलैया, यहाँ पर देख पाइएगा ये लिखा हुआ है भूल भुलैया। और यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं कि यहाँ का जो मेला किस तरह का मेला था। रात में आए थे आप, क्या नाम हुआ जी? मेरा राज किशोर महतो हुआ। अच्छा अच्छा, रात में आए थे, किस तरह का माहौल था यहाँ? काफ़ी इमेजिंग था रहा। हाँ। लाखों हजारों का जनसंख्या में लोग यहाँ पे आए हुए थे, दूर दूर से, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, पटना। अच्छा अच्छा, बहुत दूर से लोग एकत्रित हुए मेला को। काफ़ी इमेजिंग मोमेंट दिया, क्योंकि जो रात्रि का दृश्य होता है वो दिन की अपेक्षा बेहतर होता है। बहुत बेहतर था, ऐसा लग रहा था कि हम किस जगह आ गए हैं। काफ़ी हर जगह जहां भी देखते ब्राइटनेस, अद्भुत नज़ारा था यहां का। यहां का जो कहा जाता है भूल भुलैया, जिस तरह से बनाया गया है, लोग रास्ता भूल जाएगा। हाँ, क्योंकि इधर से है उधर से, समझ में नहीं आता। हाँ, हम भी मतलब एक्चुअली इसमें प्रवेश हुए तो हम भी एकदम अचंभित हो गए। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट वहाँ से गेट था, अच्छा, लाइनिंग था कम से कम 10 किलोमीटर दूर, लोग मतलब एक सेम डायरेक्शन में था। अच्छा अच्छा जी, हम धन्यवाद देना चाहते हैं यहाँ के समिति सदस्य जितना भी थे। काफ़ी मतलब ना तो कोई झगड़ा, ना कोई मेटर क्रेडिट हुआ, शांतिपूर्वक से ये मेला संपन्न हुआ। यही लोग चाहते हैं, जितना भी दर्शक होते हैं यही चाहते हैं कि जो जिस तरह से प्रतिमाएं का स्थापित की जाती है या तमाम चीज़ देखने वाली बनाई जाए, तो वहाँ पर कोई तरह का परेशानी, कठिनाई, दिक्कतें ना आए। सेम इसी का प्लानिंग किए हुआ था यहाँ का। अच्छा, कमेटी का जितना भी सदस्य बिल्कुल हजारों लोग था, काफी गाइडनेस और सही डिसिप्लिन में लोगों को एकजुट करके इस मेला का मनोरंजन करवाया। उनको क्या कहना है, जिन कमेटी के द्वारा, जिन सदस्यों के द्वारा, जिन महानुभाव के द्वारा इस तरह का आयोजन किया जाता है, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? उनको हम तहे दिल से शुक्रिया करना चाहते हैं। एक्चुअली हम दरभंगा जिला से ही आते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, मेरा घर 55 किलोमीटर हुआ। हम 2 दिन से यहाँ पे हैं, एक्चुअली मेला ही देखने के लिए आए थे। अच्छा, लेकिन लोगों का नज़ारा देखकर अचंभित हुए। अच्छा, और काफी अच्छा लगा। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम दीप नारायण हुआ। अच्छा अच्छा, यहाँ पर आए भूल भुलैया है, दुर्गा जी की प्रतिमाएं हैं, और यहाँ बहुत सारे देखने वाला दृश्य है जो आप लोग को दिखाएंगे। किस तरह का लगा मेला? बहुत आकर्षण है, बहुत मतलब यूनिक है, बहुत मेहनत किया गया इसके लिए। अच्छा, है ना। और ये जो आपका जो ये पंडाल है, ये ना जो अपना फिल्म का जो डायरेक्टर है, बिल्कुल, उन्होंने काफ़ी मतलब जो है अपना जो क्रिएटिव होता है। अच्छा, वो अलग लेवल का है ये। आप मतलब जो उसने भी देखा होगा, मतलब हर आदमी ने तारीफ ही किया होगा। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और मतलब का जो मेहनत किया है इनका जो है ना, सारा अभी देखने से पता चल रहा है कितना मेहनत किया गया है। सराहनीय मेहनत यहाँ पर किया गया, लोगों को आकर्षित करने वाला ये व्यवस्था करवाया गया। अच्छा अच्छा, तो होता है मेला में, होता है व्यवस्था की जाती है तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए। यहाँ पर कोई तरह का बात विवाद, झगड़ा उगड़ा नहीं बात तो नहीं हुआ? व्यवस्थापन की तरफ से काफ़ी इनमें मैन पावर को कंट्रोल किया गया, मतलब काफ़ी जगह जो है एंट्री गेट पे वन बाय वन एंट्री था, और मतलब काफ़ी सपोर्ट मिला पब्लिक की तरफ से भी, और अपना जो प्रशासन की तरफ से भी काफ़ी सपोर्ट रहा, जिस वजह से जो है काफ़ी मतलब सेफली और बहुत अच्छी तरह से इसका जो है व्यवस्थापन किया गया है, तो इसमें कोई ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, यही होना चाहिए सुचारू रूप से। जिस कारण यहाँ बनाया गया है लोगों को देखने के लिए, आने के लिए, वो चीज़ कायम रहा। बिल्कुल, और यहाँ पर जो भूल भुलैया के बारे में बता दीजिए तो बहुत आकर्षित लगता है। वाकई में लोग आएंगे तो भूल जाएंगे। जब आप अंदर जाएंगे ना, तो वहाँ पे क्या है ना, शीशे का एक लगा रखा है, जिसमें कि आप जिधर से जाएंगे ना, फिर जब निकलेंगे तो उधर ही निकल जाएंगे। अच्छा, अच्छा। आपको रास्ता ही पता नहीं चलेगा आप किधर जा रहे हैं, किधर निकल रहे हैं। तो एक इस तरह का एक यूनिक जा मतलब जो है एक्सपीरियंस रहा है। बिल्कुल, तो ये मतलब जो भी आदमी एक्सपीरियंस किया है उसको काफ़ी मतलब जो है
भरपूर इंटरटेनमेंट किया है, बहुत बहुत आने वाले वर्ष में फिर से इसी तरह से यूनिक चीज़ यहाँ पर बनाया जाएगा। जरूर जरूर जरूर। आप लोगों को तमाम दृश्य यहाँ का दिखाते हैं कि कितना भाव कितना सुंदर दिनों में लगता है और रात्रि की तो बात ही अलग है। और आप लोग अगर आना चाहते हैं तो आइएगा तो रात्रि में, लेकिन थोड़ा दृश्य आप लोग को दिखा दें बता दें।